अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप लोग दुआ को जैसे माशाल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और कोहरा देखिए एकदम भरा पड़ा है, पूरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। सुबह और ज़्यादा था, इतनी टाइम तो कम है, सामने वाला घर भी नहीं दिख रहा था। कोहरा पड़ रहा है कि सब ठंडे में सब सुकुड़ बुटुर के सो रहे हैं, बिस्तर में सब घुसे हुए हैं। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है नीचे। तो फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा सुबह हो गया है और अब हम ब्रेड का नाश्ता बना रहे हैं और हमने चाय ब्रेड बनाया है। तो ये आजकल ये वाला ट्रेंड में बहुत है, आजकल वायरल हो रहा है ब्रेड और दूध का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। तो हम इसी को बना रहे हैं आज, चाय और ब्रेड का ये नाश्ता, और सब लोगों ने बहुत पसंद किया। तो हमने पहले पैन में बटर रखा और ब्रेड का किनारा हमने निकाल लिया था पहले ही, और फिर इसे तीन स्लाइस रख कर एक साथ और फिर इसे दोनों तरफ से हमने अच्छे से बेक कर लिया। फिर उसके बाद इसमें एक कप दूध का हमने एक इस तरह के स्लाइस में तीन इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला और एक कप दूध ये एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया एकदम। और इस तरह से एक बार आप भी बनाइए, देखिए बहुत ही मज़े का बनता है, खाने में इतना लजीज लगता है कि कोई बहुत ही महंगी मिठाई हमने बनाई है। इस तरह से दूध डालते जाना है और दोनों तरफ से उलट पलट कर बेक करते जाना है एकदम मीडियम आंच पे। और फिर उसके बाद हमने इसमें दोनों साइड में एक एक चम्मच भर कर हनी डाल दिया था और दोनों साइड से एक मिनट के लिए फिर से बेक कर लिया था। और बड़े ही कमाल की ये रेसिपी बनी फ्रेंड, इतना बढ़िया से हमने कोई बहुत ही महंगी मिठाई खरीद ली है और एकदम मुँह में खुल जाने वाले मिठाई, बहुत ही मज़े का। एक बार आप भी इस तरह से इसको बना कर देखिए, एकदम कमाल का रेसिपी है। और सब लोगों ने पेट भर करके नाश्ता किया ये इसका, चाय और ब्रेड का ये नाश्ता, और सबको बहुत ही पसंद आया। तो इसीलिए हम इस तरह से इसको बना लिए हैं और सबको भी पसंद आया है खूब। तो चारों तरफ से हम इसको दूध को इकट्ठा करते जाना है और ये सब सोख लेगा ब्रेड, ये दूध सोख लेगा पूरा। कमाल की रेसिपी है, इसीलिए तो ये वायरल हुआ है। और ये देखिए दूध एकदम सोख लिया है, दोनों तरफ से उलट पलट करके हम इस तरह से स्लो आंच पे इसको सेक लेंगे। हमने स्लो कर दिया इतनी टाइम आंच, और दोनों साइड में हम हनी लगाएंगे और एक मिनट के लिए सिर्फ बेक करेंगे, उसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे। इसी तरह से हमने सारे नाश्ते रेडी कर लिए हैं और बच्चों का तो ये फेवरेट ही हो गया है। ये देखिए हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है, ये दोनों साइड से हम उलट पलट कर लेंगे, हमारी रेसिपी बन गई है। पेड़ पचाने की कोशिश कर रही है,
नहीं खाएगी, खेलती रहती हैं। और आप जो बोल रहे थे काम कैसे रहते हैं, देख लिया यहाँ पर कितने ज़्यादा है। बहुत टहलने जा रहे हैं। हाँ मैंने बेटा के प्लेट में कच्चा कच्चा दिया है। उसको कैसे कच्चा चूल्हा हटा दिया। और फ्रेंड्स ये है हमारे क्यारी के अमरूद, देखिए लाल लाल कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह से अमरूद निकल रहे हैं। एक पेड़ में तो फला ही नहीं, दो चार फले हैं, एक में अच्छे से फल गया है इस बार। लाल कलर का एकदम है अमरूद, तो कट करके अम्मी लोग को भी दे दें, हम भी खाएंगे। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार ये है अमरूद। काला नमक डाल तो और ही मज़ेदार। वाओ तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज मटर की घुघरी बनाने जा रहे हैं। चाय का टाइम हो गया है, तो चाय हमने दे दिया था सबको, चाय और बिस्किट, चाय पकड़ी दे दिया था, और अब जा रहे हैं मटर की घुघरी बनाने। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मटर की घुघरी बनानी है, तो मटर पापा ने छील कर रख दिया था, तो चलते हैं मटर घुघरी बनाने।
जो निकाल के रखे थे सुबह, घी निकालना था। कई दिन से सोच रहे निकालने का, मौका ही नहीं लग रहा था, आज हमने निकाल ही लिया। और एक साल मटर की घुघरी बन रही है, एक साइड घी बना रहे हैं। मतलब इस तरह से निकालते हैं तो आसानी से निकल आता है, हमको ये आसान पड़ता है ये वाला। और मथानी से एक मत के निकालते हैं, वो वाला हमको इजी नहीं होता, उसको इजी नहीं लगता, तो ये वाले ज़्यादा इजी लगता है। उसको हम इस तरह से बनाते हैं। ये देखिए अच्छे से घी निकल रहा है हमारा, इसका क्रीम एकदम पक जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा। देखिए इनका क्या हाल है, टमाटर सॉफ्ट हो गया है, मटर भी ऑलमोस्ट पक ही गया है। फिर से चेक कर ले रहे मटर को, गल गया है, इस पानी सुखाना है, पानी सुखा देंगे हम। टेस्ट करके आ रहे हैं, मैच कर देंगे ना, अच्छा ओके। इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है और देखने भी अच्छा लग रहा है। टमाटर केचप जैसा लग रहा है टेस्ट इसका। ये हो गया है क्रीम, देखिए इस कलर का आ गया है, ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसे छान कर डिब्बे में डाल देंगे घी। तो हम दे रहे हैं सबको पहले मटर की घुघनी। सबको पहले मटर की घुघनी दे दे। तो देखिए क्रीम हमारा ठंडा हो गया है, घी
खासा माशाल्लाह से घी निकल आया है। एकदम देसी घी, प्योर घी निकल आया है घर का। इसे बंद करके हम रख देंगे। तो मैं निकाल रही हूँ कीवी के जूस हस्बैंड के लिए। वो कीवी नहीं खाते हैं, खट्टा लगता है उनको, तो हम कीवी का जूस निकाल के दे देते हैं। और ये मैं अपने लिए रख लेती हूँ। वेरी यम्मी। मीठा है, मीठा है। जरा सा इसमें पानी डालेंगे इसको पतला करने के लिए, क्योंकि पतला ही बेचते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच हल्का सा, एक चम्मच चीनी, और बस इसे मिक्सी में चला लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए जूस बनकर रेडी हो गया है, और मैं इसे छान लूंगी इस तरह से। बहुत आसानी के लिए ऐसा आसान तरीके से समझाता है। Yes. बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम। तो फ्रेंड्स हमारा सारा काम हो गया है, और बर्तन बर्तन भी धुल गया है, सब क्लीन हो गया है। और इससे हम वीडियो बनाते हैं। ट्राईपॉड है हमारा, ये इस साइड में रखा रहता है। तो फ्रेंड्स हमारा